गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में टू लेटर वर्ड्स सीखेंगे, मतलब ए डायग्राफ इज टू लेटर्स दैट मेक वन साउंड, मतलब दो शब्दों को जोड़ के क्या बनती है, हमारी एक साउंड बनती है। द डायग्राफ कैन बी मेड अप ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब ये डायग्राफ किससे बनती है, चाहे वो वोवल्स हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, दोनों को जोड़ के बनती है। देखिए, जैसे एस और एच, एस सेज हमने फोनेटिक साउंड्स में किया था, एस सेज स, एच सेज ह, लेकिन यहाँ पे एस और एच दोनों को जोड़ के अब कौन सी नई साउंड बनेगी, तो ध्यान दीजिए, एस सेज स, एच सेज ह, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, एस और एच को एस एच, श श, एस एच, एस एच श। नेक्स्ट है सी एच, लेकिन जब हमने फोनेटिक साउंड्स की थी तो उसमें क्या था, सी से क, लेकिन यहाँ पे अब सी कौन सी आवाज़ देगा, जब एच के साथ जुड़ जाएगा, सी और एच क्या क्या बन जाएंगे दोनों जुड़ के, सी एच च, सी एच च। नेक्स्ट है टी एच, अब फोनेटिक साउंड में टी ट की आवाज़ देता था, लेकिन यहाँ पर टी एच, जब जो दोनों वर्ड्स दोनों अल्फावर्ड जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, टी एच, टी एच से हमारी दो साउंड्स बनती है, टी एच थ, टी एच द। प्रोनंसिएशन टी एच की कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं बच्चा, यहाँ पे बेटा टी एच थ और टी एच द की साउंड देता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू और एच को जब जोड़ा हमने तो दोनों को जोड़ के डब्ल्यू एच भ, भ की साउंड देगा। नेक्स्ट है पी एच, पी एच, पी एच जब दोनों जुड़ते हैं तो पी और एच कौन सी साउंड देते हैं, फ, पी एच फ। नेक्स्ट है डबल ओ, ओ ओ, डबल ओ जुड़ के क्या बनते हैं, ऊ, ओ ओ से फोनेटिक साउंड में ओ ओ की आवाज़ देता है, लेकिन जब दोनों ओ जुड़ेंगे, दो डबल ओ हो जाएगा तो ये देगा साउंड डबल, ये ऊ, बड़े ऊ की ऊ। नेक्स्ट है ई, जब ई प्लस ई, दो ई जुड़ जाएंगी तो उनकी क्या साउंड आएगी, ई, दोनों की ई। तो ये थी हमारे टू लेटर साउंड्स जिनसे हम नेक्स्ट साउंड सीखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।